हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो होने वाली इस वीडियो का सेकंड पार्ट। और इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको अपने रूम का टेम्परेचर चेक करना है तो आप अपने हायर की एसी के यूनिट में कैसे उस टेम्परेचर को चेक कर सकते हो। तो चलिए फटाफट वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं आपके टेकी फ्रेंड सुमित के साथ। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको लाइट बटन देखने के लिए मिलता है आपको अपने रिमोट पे, आपको उसको 10 times प्रेस करना है। और हो सकता है कि आपको 10 times से ज्यादा भी प्रेस करना पड़े। सो इन शॉर्ट आपको इसको प्रेस करते रहना है कि जब तक आपको अपने एसी की यूनिट में से 3 beep की साउंड सुनाई ना दे। और जैसे ही आपको 3 beep की साउंड सुनाई देगी अपने एसी में, वैसे आपको अपने एसी के जो इंडोर यूनिट के पैनल पे जो डिस्प्ले है उस पे 5 seconds के बाद आपके रूम का टेम्परेचर डिस्प्ले होने लग जाएगा। एंड अब जब भी आप कोई भी की दबाओगे अपने रिमोट में तो आपका जो रिमोट से आपने टेम्परेचर सेट करके रखा है सबसे पहले वो डिस्प्ले होगा। एंड उसके 5 seconds बाद जो आपका रूम का टेम्परेचर है वो डिस्प्ले होगा। और ऐसे अगर आपको वापस आना है कि मतलब आप चाहते हो कि आपके रिमोट का जो टेम्परेचर है वही आपके इंडोर यूनिट के डिस्प्ले पे शो करे, तो उसके लिए आपको वापस से 10 times प्रेस करना है अपना लाइट का बटन। और उसके बाद आपको अगेन 3 beep सुनाई देगी। एंड इसके बाद जो आपका रिमोट का टेम्परेचर वही सिर्फ दिखाई देगा आपके एसी यूनिट पे। तो यार बस फिलहाल की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हो सके चैनल का सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।